हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ सुरेंद्र। और दोस्तों, आज अपन कंप्लीट करेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जो साल होता है वह दो प्रकार के होते हैं। ईयर जो दो प्रकार के होते हैं, ईयर्स, ठीक है। ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं सामान्य और एक होता है लीप वर्ष। जो सामान्य वर्ष होता है इसमें तो होते हैं 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है, 6 आवर होते हैं। तो 4 सालों में क्या होता है, ये जो 6 6 घंटे हैं ये बन जाते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे का एक दिन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अपन लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर, जिसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन हो जाएंगे, 366 दिन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फरवरी होती है फेब, इसमें 28 की जगह 29 दिन होंगे। कितने होंगे? 28 की जगह 29 दिन। अब देखते हैं कि लीप ईयर को कैसे पहचाने, कौन सा साल लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मैं समझाता हूँ आपको। उसमें 4 का भाग देखकर देखा जाता है कि वह साल लीप ईयर है या नहीं है। जिस प्रकार उदाहरण में बताया हुआ है कि 2016 में अगर 4 का भाग देंगे, 5 चौके 20 और 4 चौके 16, 504 बार गया, अर्थात 4 का पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, यह है लीप ईयर। एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन, देख लेते हैं 1906, ये लीप ईयर है या नहीं है। तो इसमें करेंगे अपन 4 का भाग देंगे, इसमें तो 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16 बचे 3, ये हो गए 30, 4 4 7 28 बचे 2, 4 6 6 24, मतलब 2 बाकी रह गए। तो ये लीप ईयर नहीं है दोस्तों, 1906 है जो लीप ईयर नहीं है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं शताब्दी की। जैसे ये 1800 है, तो ये लीप ईयर है या नहीं है। तो इसको कैसे पता करेंगे? 4 का भाग देकर। नहीं दोस्तों, यहाँ पर 4 का भाग नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर अपन देंगे 400 का भाग। एक चीज नोट कर लीजिए कि जब भी शताब्दी आएगी तो वहां पर 4 का भाग न देकर 400 का भाग देकर ज्ञात करेंगे कि वह साल लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो अब एक उदाहरण यहाँ पे बताता हूँ मैं, बहुत ही रोचक है दोस्तों। और भारत के एक प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी इसी डेट को आता है, और कई बार ऐसा हूबहू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति का जन्मदिन 29 फरवरी को आता है, 29 फरवरी 1896 में वो जन्मा। अब वो इसका जन्म होने के बाद वो बर्थडे कब मनाएगा? तो अपन जानते हैं कि 29 फरवरी है, तो ये तो लीप ईयर था। पर अगला लीप ईयर कब आएगा जी? अपन क्या कर देते हैं, इसमें 4 जोड़ देते हैं, जिसके बाद आ जाएगा 1900। पर क्या 1900 लीप ईयर है जी? इसका पता करेंगे अपन 4 का भाग देकर। पर 4 का भाग देकर इसका पता नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शताब्दी होगी वहां पर 400 का भाग देंगे। और जो 1900 है उसमें 400 का भाग देंगे अपन, 1900 में 400 का भाग देंगे अपन, सॉरी 1900 में 400 का भाग देंगे, तो पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। और अगर 4 का भाग देते हैं तो पूरी बार जाता है, पर ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 400 का भाग नहीं जाएगा। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से होगा, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, इस वजह से उसका बर्थडे, उनका बर्थडे 1900 को नहीं आएगा, मतलब 4 साल बाद नहीं आएगा, उनका बर्थडे आएगा 1904 में, यानी कि वो अगला जो जन्मदिन है वो मनाएंगे 8 साल बाद। तो ये क्वेश्चन कई बार हूबहू पूछ लिया जाता है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब पता कर सकते हो आप कि कौन सा जो वर्ष है वह सामान्य वर्ष है और कौन सा लीप ईयर है, ये आप आराम से पता कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी चीज, शताब्दी का मैंने आपको बता दिया। लीप ईयर में जो वर्ष लीप ईयर आएगा उसमें रोचक तथ्य ये आएंगे कि भारत में उस वर्ष कुंभ का मेला भरता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हो आप कि भारत में कुंभ का मेला कहाँ कहाँ पर लगता है। दूसरा, उस जो लीप ईयर होगा उसी साल अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं। तो ये तो थोड़े से रोचक तथ्य थे जो आप लोगों को याद होना चाहिए। अब बात करते हैं कैलेंडर में दूसरी चीज, विषम दिवस के बारे में। विषम दिवस क्या होते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि विषम दिवस क्या होता है, ठीक है। विषम दिवस क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सप्ताह बनता है 7 दिन का, तो
मान लो 322 दिन है, तो 22 में कितने विषम दिवस आएंगे, तो इसमें 7 का भाग देंगे अपन, 1 7 2 7 14 3 7 21, तो यहाँ पर एक बाकी रहता है, ये दिन होता है विषम दिवस। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन साल में कितने विषम दिवस आएंगे और लीप ईयर में कितने विषम दिवस आएंगे। जैसा कि अपन को पता है कि 365 दिन का एक साल होगा, तो इसमें कितने विषम दिवस आएंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे 5 7 35, बचा एक, यहाँ 5 7 35 कर लेते हैं, ठीक है, एक बचा 15, तो 2 7 14, और यहाँ पे बचा एक, मतलब एक साल में 52 तो सप्ते होते हैं और एक होता है विषम दिवस। जब सामान्य वर्ष में 52 सप्ते होते हैं और एक विषम दिवस होता है, तो लीप वर्ष होगा वहां पर 2 विषम दिवस होंगे, क्योंकि एक दिन ज्यादा होता है। ये चीज तो आपको आ गई होगी अच्छे से समझ में। अब देखते हैं अपन यहाँ पर किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, वो पूरी चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 जनवरी को मान लो सोमवार है, सोमवार 1 जनवरी 2006 की मान लेते हैं अपन, 1 जनवरी 2006 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2006 को भी सेम डे आएगा, यानी कि वो भी सोमवार आएगा। अब इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये 2019 का है, यहाँ शुरुआत होती है ये मंगलवार को, 1 तारीख आती है, तो 31 दिसंबर 2019 ही मंगलवार को आनी चाहिए। ये इसी वर्ष का कैलेंडर है दोस्तों, तो इसमें लास्ट देखते हैं दिसंबर, दोस्तों दिसंबर ये बिल्कुल देखो 31 दिसंबर मंगलवार को आ रहा है, तो इसका मतलब जो मैंने तथ्य बताया है आपको कि जिस दिन से वर्ष शुरू होगा उसी दिन खत्म होता है। तो दोस्तों ये तो था सामान्य वर्ष के लिए, मैं बताता हूँ ये सामान्य वर्ष के लिए था, और जो लीप ईयर आते हैं वहां पर क्या होगा, जैसे 1 तारीख सोमवार को आ रही है तो लीप ईयर होगा 2020 है जैसे, तो उसमें मान लो 1 तारीख सोमवार को आ रही है 1 जनवरी, तो 31 दिसंबर मंगलवार को आएगा, मंगलवार को आएगा। ठीक है, आगे होगी शायद आपके बात समझ में, अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, अभी अपन एक उदाहरण करके देखेंगे जिससे पता अपन को लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी वर्ष 1 जनवरी सोमवार को आ रहा है, 1 जनवरी सोमवार को आ रहा है, 1 जनवरी 2006 को मान लेते हैं, 2006 को, तो 2009 को 5 जनवरी, 5 नहीं अपन मान लेते, 2 जनवरी 2009 को कौन सा दिन आएगा, 2009 का ध्यान रखना है अपन को, 2 जनवरी 2009 का। तो दोस्तों इसको किस प्रकार करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसको करेंगे अपन, 1 जनवरी को सोमवार आया तो 31 दिसंबर को भी आएगा सोमवार 2006 में, 2007 की 1 जनवरी को आएगा मंगलवार, मंगलवार आ गया, अब 2007 में 31 दिसंबर को भी मंगलवार आएगा, मंगलवार। ठीक है, अब 2008 को 1 जनवरी को आएगा बुधवार आ गया। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने योग्य यह है कि यहाँ पर 1 जनवरी बुधवार को आए, पर यहाँ पर जो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर वो आएगा गुरुवार को, क्योंकि 2006 है लीप ईयर। ठीक है, तो गुरुवार को आ गया 31 दिसंबर 2008, अब गुरुवार आ गया, अब जो 2009 की 1 जनवरी आएगी वो आएगी शुक्रवार को, और 2 जनवरी आएगी मंगल, शुक्रवार शनिवार को, 2 जनवरी कब आएगी, शनिवार को। दोस्तों मेरी बातों पे ध्यान देना आप, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पहले बताया है, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप, मैं जैसे जैसे बोलूँ उसको कॉपी में लिखते रहना, वो समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट ये है कि 1 जनवरी को जो बार आ रहा है वही 31 दिसंबर को आएगा सामान्य वर्ष में, पर अगर वह साल लीप ईयर है तो वहां पर जो बार 1 जनवरी को आ रहा है 31 दिसंबर को,
उसके बाद वाला दिन आएगा या सक्सेसिव डे आएगा, जैसे सोमवार आ रहा था तो मंगलवार आएगा 31 दिसंबर को, कब? लीप ईयर में। ठीक है, यही बात यहाँ समझाने योग्य थी, और इसके आधार पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आपके कॉन्सेप्ट पे और कुछ ट्रिक पे, कॉन्सेप्ट इसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे और कुछ ट्रिक भी होगी। तो अब अगला जो क्वेश्चन करेंगे अपन, या अच्छे अगली बार अगला जो ये देखेंगे अपन, वो ट्रिक पर आधारित है दोस्तों। ट्रिक है जो आपको याद करनी है, और ये ट्रिक याद हो जाएगी आपको जब आप 2-3 बार इसको कॉपी में लिखोगे। तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, ठीक है? ये है यहाँ पर ट्रिक। ट्रिक है कि संडे को जब विषम दिवस एक आएगा तो उसको संडे माना जाएगा, विषम दिवस दो आएंगे तो उसको मंडे माना जाएगा, और जो विषम दिवस 3 आ गए तो उसको मंगलवार माना जाएगा। तो दोस्तों आपको एक चीज तो यहाँ से ये रोज ये लगी होगी कि यहाँ तो संडे मंडे कर दिया, अरे तो मंगलवार बुधवार, शायद अंग्रेजी में ध्यान नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये इंग्लिश अंग्रेजी में लिखने में आ गए थे, पर लिखना हिंदी में ही था, मुझे अंग्रेजी में भी पता है। ठीक है, अब देखते हैं बुधवार को 4, जो 4 विषम दिवस आएंगे तो बुधवार मानेंगे। ठीक है, तो ये वार की ट्रिक है, ये ध्यान रखनी है। अपन कई पुस्तकों में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा जाता है संडे को 0, तो यहाँ पर संडे को 0 से नहीं, संडे को 1 तारीख मानेंगे, और सोमवार को 2 तारीख, मंगलवार को 3 तारीख, और जो शनिवार आएगा उसको 0 तारीख पे माना जाएगा, शुक्रवार को 6 विषम दिवस पे माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है वह ये है, ये याद करनी है दोस्तों। दो ट्रिक याद कर लोगे इसका मतलब है आपका आधे कैलेंडर का, मतलब कैलेंडर का 60% जो क्वेश्चन है, 60 या 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इस ट्रिक से। बस ट्रिक थोड़ी सी याद करनी है आपको, मैं पूरा समझाऊंगा आपको अच्छे से, और आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आशा ही नहीं करता, मैं गारंटी देके कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इसको करने के बाद आप सभी के बर्थडे ऐसे निकालोगे फट से, 15 तारीख को आपका बर्थडे है तो कौन से बार को था, 15 अगस्त 1947 कौन से बार को था, 10 मई 1857 कौन से बार को था, ये सब चीजें आप अंगुलियों से निकाल दोगे। पर याद रखना है आपको ये ट्रिक, ठीक है? अब ट्रिक है, ये है महीनों के बारे में ट्रिक। तो महीनों के बारे में दोस्तों ट्रिक में क्या है, ये 12 डिजिट है जिसमें है 733। याद कैसे रखना है मैं भी बता दूंगा, 733, 614, 625 और 735। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे 700, ये 733 है, 735 लास्ट में, तो इसे थोड़ा सा याद रखने का उनको सुविधा रहेगी। बीच में 614 और 625, तो 614 और 625 तो 25 के स्क्वायर है, ये अपन को पता है। तो ऐसे करके कैसे भी तिकड़मबाजी बिठा के अपन को याद करनी है, ठीक है ना? तिकड़मबाजी कैसे भी बिठाओ, बस ये 12 डिजिट आपको याद करनी है। अब ये है क्या, ये बताता हूँ मैं दोस्तों। ये है कोड, महीने के कोड। जैसे अपन जनवरी का यूज करेंगे तो वहां पर 7 कोड नंबर 7 यूज करेंगे, फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे कोड हैं। अब यहाँ से एक चीज और बता देता हूँ मैं, इसमें सवाल करेंगे अपन, उन सवालों को करने से पहले एक चीज बता देता हूँ दोस्तों। जिस प्रकार ये फरवरी है, ये मार्च है, अगर फरवरी सोमवार से शुरू होगा तो मार्च भी सोमवार से शुरू होगा, और ये नवंबर है ये भी सोमवार से शुरू होगा, यानी कि ये 3 महीने एक जैसे ही आएंगे। जो डिजिट समान है ना, ये वो वैसा ही महीना आएगा, समान महीने आएंगे, जैसे सोमवार से शुरू है तो वो भी सोमवार से होगा। उसी प्रकार बताता हूँ मैं आपको, जो 7-7 ये है तो ये महीने भी समान दिन से शुरू होंगे। ये है लीप ईयर के लिए, जैसे अभी ये 6 है तो इसके ये 6, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल जैसा आएगा मई, जून, जुलाई, जुलाई वैसा ही रहेगा। तो इन डिजिटों से ये ध्यान रख सकते हो आप कि कौन कौन सा महीना समान दिन से शुरू होगा, ठीक है? और ये लीप ईयर के लिए अलग से कोड ध्यान नहीं रखना दोस्तों, इनमें से 11 घटा देना है अगले आगे वाले में से, और बाकी वही समान डिजिट रहेगी। इसमें 11 घटा थे कितना हो जाएगा, इधर तो 2 हो जाएगा और इधर हो जाएंगे 6, फिर वही 614, 625 और 735 डिजिट आपको यूज करनी है। अब करना कैसे है अपन को सवाल हल, या किस प्रकार उसको अपन प्रयोग में लेंगे, तो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। यह है दोस्तों, सबसे पहले जब आप सवाल करेंगे, जैसे अभी दे दिया, अभी आज की तारीख है 27 जुलाई 2019 को कौन सा बार आएगा, आप लोगों को पता है वैसे भी, पर यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करेंगे और क्या ये सही आती है या नहीं आती, ये चीज भी अपन देखेंगे। ठीक है,
तो इसमें देखना क्या है, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे दिनांक, जैसे 27 है, यहाँ पर लिख देते हैं 27, ठीक है। महीने का कोड, अब जुलाई का कोड अपन को याद रखना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें मैं पूरा बताता हूँ आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यहाँ अपन कोड क्या यूज करेंगे, 6, तो ये ध्यान रखना है अपन को, 6 27, तो यहाँ आ गए और 6 आ गए महीने के कोड। वर्ष के अंतिम दो डिजिट, तो 2019 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 19 और डिवाइड बाय 4। अब ये 2019 है ना, इनको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाता है, 1 चक्कू 4, 2 चक्कू 8, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16, तो 4 बार ही जाएगा, पर जो बाकी के बचेंगे उनको नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इनको सारों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कैसे, देखो 7 7 6 6 12 13 13 8 9 22, 13 8 9 हो गए 22 22 4 26, 80 लागे दो, तो इनको जोड़ेंगे 2 और 2 4 1 5, तो ये हो गए 8 6 56, 7 8 56 हो गए, तो यहाँ पर शेष क्या बचता है, 0, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 56 जो आए ना, इनको जोड़ने के बाद में बताता हूँ अब आपको, और ये जोड़ने के बाद कितने आए, 56, ये 56 आए, अब इसको क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, सबसे बनाएंगे, अब इसमें 7 को जो डिवाइड करेंगे, अगर पूरी बार चल जाता है, भाग जाएगा, तो 0 बचेगा सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल 1 बचता है, तो उसको जो ट्रिक दी है मैंने दिन वाली, उसमें से ज्ञात करना है। अब यहाँ से 7 8 56, मतलब 8 बार भाग तो गया, पर यहाँ पर सक्सेसफुल क्या बचा, 0 बच गया। अब ये 0 बच गया, तो 0 को आता है इधर अपन को, जैसे कि अब मैं बताता हूँ, 0 0 कौन से दिन को है, 0 है शनिवार को, इसका मतलब है आज शनिवार है, और अपन को भी पता है कि आज शनिवार है। इस प्रकार से अपन सभी दिवसों के बारे में निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और देखते हैं अपन, यहाँ पर देखते हैं 26 जनवरी 2019 कौन से दिन को आएगा, अब इस सवाल को अपन करते हैं, 26 जनवरी 2019 को अपन को ये वाली ट्रिक याद रखनी है, 26 जनवरी, देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से, 26 तारीख, तो यहाँ गई, ठीक है, अब सॉरी दिनांक लिख दी, हाँ महीने का कोड 26 जनवरी, जनवरी का कोड है दोस्तों 7, जैसा कि अपन को पता है 733, 614, 625 और 735, ये वाले कोड, ये जनवरी का, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपको रटने हैं, ये मान लो आप, तो इसको यहाँ पर महीने का कोड आएगा 7, तो इसका महीने का कोड मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये तो हो गए 26, महीने का कोड हो गया 7, अंतिम जो वर्ष है वो कौन सा है, 2019 से अपन को पता है, और 4 का भाग 19 में 4 बार ही जाएगा, 4 चक्कू 16, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और उनमें 7 का भाग देंगे, तो इनको जोड़ लेते हैं अपन दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 1 13 13 9 22, 22 4 26, ऐसे लगे 2 2 4 1 5, 26 जनवरी, ठीक है, तो इसमें 7 का भाग देंगे, 7 और 56, और यहाँ भी शनिवार आ रहा है दोस्तों, अब देखते हैं क्या बार आ रहा है, अगर ये तो है दिसंबर और ये है जनवरी, दोस्तों यहाँ से अपन ट्रिक से याद किया है शनिवार, और कैलेंडर में भी शनिवार आ रहा है, इसका मतलब अपने जो ट्रिक प्रयोग की है वो बिल्कुल सही है, और इस ट्रिक के अनुसार दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपना जन्मदिन देखना, जैसे किसी का मान लो 8 जून को है, 8 जून 2019 को, तो आप वो वाली ट्रिक यूज करना, और उनको जैसे मैंने बताया सवाल करके उस प्रकार रखना, और 7 का भाग देना, और फिर क्या करना है, जो विषम दिवस बचे हैं उनको, विषम दिवसों को क्या करना है, आपको यहाँ से देखना है कितने सक्सेसफुल बचे, भाई 1 बजता है तो सोमवार, रविवार आएगा, 2 बजेगा तो सोमवार आएगा, 3 बजेगा तो मंगलवार आएगा, तो सभी दोस्तों को करना क्या है, अपनी जन्म तारीख निकालनी है, और वह कौन से बार को आ रही है वो आपको पता चलता है या नहीं चलता है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों का कमेंट चाहूंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं सोचूंगा आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया है, अगर समझ में नहीं आए कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, और आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, होमवर्क क्या है वो यहाँ से देख लीजिए आप,
होमवर्क है, आपको ज्ञात करना है कि 26 जनवरी, 26 जनवरी तो बता ही दिया, 23 जनवरी, इनको सोल्व करके देखना, 23 जनवरी 2019 कौन से बार को आ रही है, 15 अगस्त 2019 से जो 2019 का 15 अगस्त कौन से बार को आ रहा है, 26 जुलाई 2019 कौन से बार को आ रही है, और इसका सॉल्यूशन करके आप कैलेंडर में देखिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा कि 15 अगस्त कौन से बार को आ रहा है, 26 जुलाई कौन से बार को आ रहा है। अगर आप लिखते हो तो दोस्तों मैं समझूंगा कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा है। इसका एक और वीडियो आएगा दोस्तों, वो पार्ट टू होगा, और उसमें बाकी की जो भी चीजें हैं वो मैं अच्छे से समझा दूंगा, कौन सी शताब्दी कब शुरू हो रही है, कब हो उसका फर्स्ट बार, फर्स्ट दिन कौन सा होगा, उसका अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कौन सा वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, ये भी चीजें भी मैं आपको उस वीडियो में समझाऊंगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करना न भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे ऑथेंटिक न्यूज अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम दी जाती है, और जो राजस्थान पुलिस है उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों, उसमें सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मैं पूरे कंप्लीट कराऊंगा, ज्योग्राफी साइंस, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिक्स सारे के सारे कंप्लीट कराऊंगा मैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।